चुरू चुरू राजस्थान के मरुस्थलीय भाग का एक नगर एवं लोकसभा क्षेत्र है। इसे थार मरुस्थल का द्वार भी कहा जाता है। यह चुरू जिले का जिला मुख्यालय है। शहर की स्थापना लगभग 1620 में हुई थी। चुरू जाटों का एक सरदार था जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा। चुरू अपनी आकर्षक हवेलियों के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान के उस हिस्से की मूल शैली में बड़ी दीवार भित्ति चित्रों से सजी पारंपरिक हवेलियां उल्लेखनीय हैं। कोठार और कन्हैया हवेलियां जिनमें ढोला और मारू, सस्सी और पूनू और अन्य भारतीय लोक नायकों की रोमांटिक कहानियों की आदमकद पेंटिंग है। 6 मंजिल सुराणा हवेली में 1000 से अधिक दरवाजे हैं। इतिहास। चुरू की स्थापना निर्बाण राजपूतों ने वर्ष 1620 में की थी। संघर्ष के दौर में चुरू पर राव बनीर के वंशज बनीरोट राजपूतों का शासन हो गया। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1649 में चुरू किले का निर्माण किया और 1871 की लड़ाई के दौरान यह क्षेत्र बीकानेर के प्रभुत्व में आ गया। शेखावतों ने शहर के किले की रक्षा के लिए राठौड़ों के साथ लड़ाई लड़ी। यह युद्ध चांदी से बने तोप के गोले के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। 1947 में भारत की आज़ादी से पहले यह बीकानेर राज्य का एक हिस्सा था। यह जिला 1948 में अस्तित्व में आया, जिसमें 3 तहसीलें चुरू, राजगढ़ और तारानगर शामिल थीं। जब बीकानेर राज्य का प्रशासन पुनर्गठित किया गया था, अब 8 तहसीलें हैं, जिनमें चुरू, सिद्धमुख, सादुलपुर, रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदार शहर, तारानगर और बीदासर शामिल हैं। चुरू के त्योहार। सालासर बालाजी मेला। सालासर बालाजी मेला हर साल चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर सालासर बालाजी मंदिर में आयोजित किया जाता है। मेला भगवान हनुमान को समर्पित है। सालासर बालाजी मंदिर चुरू की सुजानगढ़ तहसील के सालासर कस्बे में स्थित है। 1754 ईस्वी में महाराज मोहनदास ने एक स्वप्न से प्रेरित होकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था।
ऐसा माना जाता है कि मोहनदास ने भगवान हनुमान का सपना देखा था और मंदिर के निर्माण की पहल की थी। उनके वंशज ईश्वरदास और कनिराम ने बाद में मंदिर का विकास और जीर्णोद्धार किया और इसे वर्तमान मंदिर का आकार दिया। इस स्थान को सालासर धाम के नाम से भी जाना जाता है। गोगाजी महाराज मेला। नाग देवता के रूप में पूजे जाने वाले गोगाजी चुरू के योद्धा नायक थे। उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु गोरखनाथ ने गोगाजी की माता बच्छल को एक विशेष गुगल फल दिया था। गुरु और फल के आशीर्वाद से बच्छल ने गोगाजी को जन्म दिया और फल के नाम से गोगाजी नाम की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि गोगाजी अपने उपासकों को सांपों से बचाते हैं और इसलिए बड़ी संख्या में भक्त गोगाजी की पूजा करते हैं और उनकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। हर साल भाद्र मास में हिंदू कैलेंडर के अनुसार चुरू में गोगाजी के मेले का आयोजन किया जाता है। भक्त गोगाजी के मंदिर में पूजा करने जाते हैं और गोगाजी की मूर्तियों की पूजा करते हैं। मेला भाद्रपद के 9वें दिन से शुरू होकर भाद्रपद के 11वें दिन तक 3 दिनों तक चलता है। चुरू के कला एवं शिल्प। चुरू में एक समृद्ध उद्योग है जो मुख्य रूप से हस्तशिल्प, कृषि उपज और कुछ हद तक औद्योगिक उपज पर आधारित है। चुरू में हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और जिले के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा उत्पन्न करता है। चुरू उत्कृष्ट रूप से तैयार किए गए लकड़ी के बॉर्डर, बिस्तर, स्टूल, अलमारियां और चांदी से जड़ित या सोने से जड़ित स्मृति चिन्हों के लिए जाना जाता है। चांदी पर पुष्प रूपांकनों की अपनी एक ऐतिहासिक अपील है और यह एक नए जोड़े के लिए एक आदर्श शादी का उपहार है। हालांकि कला और शिल्प सर्किट का मुख्य आकर्षण उनकी बेंत की वस्तुएं हैं, चुरू में वे सबसे अधिक मूल्यवान स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुएं हैं जो आपको मिल सकती हैं। हाथियों, विवाह कलश, लघु झरोखे और बेंत के तार का उपयोग करते हुए युद्ध के दृश्यों का विस्तृत चित्रण आपको विस्तार पर ध्यान देकर मंत्रमुग्ध कर देगा। चुरू के ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल। सेठानी का जोहरा। रतनगढ़ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेठानी का जोहरा एक बहुत ही शानदार स्थानों में से एक है, जो कि सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थलों में से एक है। इस किले को भगवान दास बागला की विधवा ने बनवाया था। यहाँ पर 1956 के दौरान एक भयानक अकाल आया था, जिसके बाद यहाँ पर एक जलाशय बनवाया गया। कोठारी हवेली। इस हवेली को 1925 में निर्मित किया गया था। यह हवेली एक प्रसिद्ध संरचना वाली और एक आकर्षक हवेली है। इस हवेली को व्यापारी ओसवाल जैन कोठारी ने बनवाया था। सुराना हवेली। यह चुरू शहर में स्थित एक बहुत ही आकर्षक संरचना वाली हवेली है, जो कि 6 मंजिला इमारत वाली एक बहुत ही विशाल हवेली है, जिसे 1870 में बनवाया गया और
इस हवेली की खास बात यह है कि इस हवेली में 1111 दरवाजे और खिड़कियां बनी हुई हैं। ताल छापर अभयारण्य। इस अभयारण्य में कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, जैसे लोमड़ी, चिंकारा और जंगली बिल्ली आप इस अभयारण्य में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कई लुप्त प्राय और कई दुर्लभ जानवर जैसे रोजरा, काली हिरन, लोमड़ी और जंगली बिल्ली आदि पाए जाते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर कई तरह के प्रवासी पक्षियों को भी देख सकते हैं। चुरू जिले में स्थित यह अभयारण्य एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल है। चुरू कैसे पहुंचे? हवाई जहाज द्वारा। चुरू के बजाय आप नियमित आधार पर सांगानेर हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं। चुरू सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान से 210 किलोमीटर और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग द्वारा चुरू शहर देश के अन्य प्रमुख शहरों से सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है, जहां से चुरू के लिए नियमित ट्रेन्स हैं। सड़क द्वारा चुरू नियमित बसों के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। For more entertainment, please like our video and subscribe to our channel The Roots and press the bell icon to get new video updates.